पर अब बात करूंगी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गो पर ताबड़तोड़ एक्शन की। देश भर में लॉरेंस गैंग पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद मुंबई पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस लॉरेंस गैंग के शूटर्स की धरपकड़ में जुटी है। लॉरेंस गैंग के नेटवर्क को कमजोर करने के लिए और नेक्सस पर चोट करने के लिए आज दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने देश भर में 7 शार्प शूटर्स को अरेस्ट किया। सभी शूटर्स की गिरफ्तारी पंजाब और बाकी राज्यों से की गई और पुलिस ने शूटर्स के पास से हथियार भी बरामद किए। ये शूटर्स राजस्थान में किसी की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि आरजू बिश्नोई के इशारे पर राजस्थान में किसी की सुपारी लेकर ये शूटर्स मर्डर की योजना बना रहे थे। गुजरात की साबरमती जेल में बंद है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी जिसका नाम है आरजू बिश्नोई और इसी के इशारे पर यह तैयारी थी। काउंटर इंटेलिजेंस की टीम है, इसने 7 शूटर्स को पकड़ा है, 7 गैंग मेंबर्स को पकड़ा है जो कि एक मर्डर करने वाले थे हरियाणा में, सॉरी राजस्थान में, और कुछ मर्डर्स जो हैं और भी टारगेट इनको मिले हुए थे, अगर ये उसको एग्जीक्यूट करते थे बाकी टारगेट्स भी मिलने वाले थे। आरजू बिश्नोई नाम का आदमी इनको कंट्रोल कर रहा था जो कि ओरिजिनली लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मेंबर है। आरजू बिश्नोई, आरजू अनमोल बिश्नोई के टच में ज़्यादा रहता था। इस गैंग के 7 शूटर्स पकड़े गए हैं, 7 लोग पकड़े गए हैं। ये 4 स्टेट से पकड़े गए हैं, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से और दिल्ली से। वहीं सलमान खान के पिता सलीम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि सलमान ने कुछ गलत नहीं किया और इसीलिए वो माफी नहीं मांगेंगे। अब लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि सलमान खान उनके पास चेकबुक लेकर आए थे और सलमान ने बिश्नोई समाज को पैसे ऑफर किए, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। रमेश बिश्नोई ने दावा किया कि सलमान खान के पिता सलीम खान ने कहा है कि लॉरेंस गैंग ये सब पैसे के लिए कर रहा है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उनका बेटा बिश्नोई समुदाय के सामने खाली चेक लेकर आया था और अमाउंट भरने के लिए कहा था। अगर हम लोग पैसे के भूखे होते तो उसी समय ले लेते। अबू सलेम, हाजी मस्तान, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और रवि पुजारी जैसे गैंग का या तो युग खत्म हो चुका है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ऐसा डॉन है जो कि भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में अपनी डी कंपनी चला रहा है। एक तरफ लॉरेंस जेल में है तो हाल ही के दिनों में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई जांच एजेंसी के लिए एक रहस्य बनता जा रहा है। उसका नाम भारत में कई हाई प्रोफाइल क्राइम केसेस से जुड़ा हुआ है जिसमें सलमान खान के खिलाफ साजिश रचना, धमकी देना, फिरौती वसूली, ये सब कुछ शामिल है। जांच एजेंसीज अनमोल बिश्नोई की तलाश में जुटी हैं और ऐसी आशंका है कि अनमोल बिश्नोई कीनिया, कनाडा, अमेरिका या फिर पुर्तगाल जैसे किसी देश में छिपा हो सकता है। हालांकि अभी तक उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है। लॉरेंस के नक्शे कदम पर चलते हुए अनमोल बिश्नोई इस पूरे नेटवर्क का चेहरा बनता जा रहा है। लॉरेंस की तरह ही वो कई तरीके की अवैध गतिविधियों में संलिप्त है और एनआईए ने अनमोल पर 10 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है। एनआईए ने उसे पकड़ने की कोशिश में इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ सहयोग करते हुए भारत से बाहर भी अपनी तलाश तेज कर दी।